चल रहा महाभारत कारण जल रहा धरित्री की सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गए रे ये सुदर भूदर से लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर दोनों संबल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग। तरकस में से फूंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कृपा कर धनुष पर चढ़ शक्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे ये जरा हंस कर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने क्षार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता।